हमारे देश में कहानी सुनने और सुनाने की एक समृद्ध परंपरा रही है। कहानी से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। अक्सर देखा गया है बच्चे अध्यापक के साथ कुछ संकोच सा महसूस करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि मैं उन्हें सुनाता हूँ अक्सर कहानियाँ। एक अच्छी कहानी का चयन और उसे प्रभावशाली ढंग से सुनाना दोनों ही एक महत्वपूर्ण कला है। आइए देखते हैं एक अध्यापक एक कहानी के द्वारा अपने बच्चों के साथ कैसे जुड़ सकता है। बच्चों, आप सबको कहानी सुनना पसंद है? यस। सबको? यस। घर में कौन कहानी सुनाता है? मैम भैया। और अच्छा, मौसी। भैया, अच्छा मैं कहानी सुना दूँ आप सबको? दो सहेलियों की कहानी सुना दूँ? जैसे देखिए, ये है आशा और ये है विमला, दो सहेलियाँ। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती है। स्कूल जाते हैं एक साथ, स्कूल में टिफिन भी एक साथ खाते हैं, पढ़ते हैं एक साथ, पढ़ाई करते हैं एक साथ, स्कूल से वापस आते हैं एक साथ। पर कभी कभी दोनों में हो जाती है लड़ाई। खूब जमकर लड़ाई होती है कभी कभी, और उसके बाद फिर से दोस्त बन जाते हैं। आप में से कभी कभी आप लोग लड़ते हैं? उसी तरह ये दो बच्चियाँ कभी कभी लड़ते हैं, उसके बाद दोस्ती हो जाती है। अब आशा और विमला स्कूल से वापस आ रहे थे। स्कूल से जब वापस आते हैं, उन लोग कुछ खेल खेलते हुए वापस आते हैं। अब विमला ने पूछा कि मुझे वैसी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका रंग लाल है? देखो तो ज़रा। मैम, बटरफ्लाई। बिल्कुल सही। अब विमला बहुत खुश हो गई। अब आशा ने कहा कि विमला ये बताओ कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जिसका नाम ख से शुरू होता है। विमला ने कहा कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसका नाम ख से शुरू होता है। फिर उसने देखा, अरे आशा, तू आंखें बंद कर चलती चली जा रही है। फिर आशा मुस्कुराई और फिर आशा ने कहा कि हाँ, आज टीचर ने पढ़ाया था ना, आज दीदी ने पढ़ाया था ख से खरगोश, तो मैं जैसे आंखें मूंद लेती हूँ तो मुझे खरगोश दिखाई देता है। फिर विमला भी हंसने लगी। फिर दोनों दौड़ते रहे। अब जब बहुत दौड़ते हैं और हंसते हैं तो थक जाते हैं ना, तो ये भी दोनों थक गए और थक कर वहाँ एक झाड़ी के पास बैठ गए दोनों, आशा और विमला। अब वहाँ जब बैठे थे, अचानक आशा झाड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगी। विमला, देख, उस झाड़ी के पीछे कुछ है। विमला ने कहा, नहीं कुछ नहीं है, चल अब घर चलते हैं, घर जाकर खाना खाएंगे, भूख लगी है। आशा ने कहा, एक बार जाकर देख ले झाड़ी के पीछे। फिर विमला गई और पता है क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? खरगोश। अब आशा और विमला दोनों बहुत खुश हो गए। अब विमला धीरे से गई और फिर खरगोश उसने बहुत प्यार से उसने पकड़ लिया। खरगोश को और जानवरों को अगर बहुत प्यार से पकड़ लो तो जानवर कितने खुश हो जाते हैं ना, तो वो भी खरगोश भी बहुत खुश हो गया। अब विमला देखो प्यार से पकड़ कर रखी है। अब आशा कहने लगी कि विमला, मैं इस खरगोश को घर ले जाऊंगी और घर ले जाकर बहुत अच्छे से उसको रखूंगी। अब खरगोश को मैं क्या खिलाऊंगी? गाजर। और घास। और क्या खिलाएंगी? मैम हरी पत्तियां। मैम घास। घास, बिल्कुल। क्या खिलाऊंगी? गाजर, हरी पत्तियां और घास। फिर आशा कहने लगी कि मैं इसे घर ले जाऊंगी, फिर ये सारी चीज़ें मैं खिलाऊंगी। अब जैसे वो कह रही थी, फिर उसने विमला की ओर देखा। विमला बहुत गुस्से से आशा की ओर देख रही थी। आशा ने पूछा कि विमला, तू इतनी गुस्से से क्यों देख रही है? विमला ने कहा, तू कैसे इसे घर ले जाएगी? मैं ले जाऊंगी। आशा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ले जाऊंगी, बिल्कुल नहीं, मैं ले जाऊंगी। अब शुरू हो गई लड़ाई। अब दोनों में शुरू हो गई लड़ाई। खरगोश बहुत डर गया, उसको डर लगता है ना, जानवर डर जाते हैं अगर हम लोग झगड़ते रहते हैं तो। खरगोश, जानवर, सभी जानवर डर जाते हैं। खरगोश कूद पड़ा जमीन पर और भागता गया, छलांग लगाता हुआ भागता गया। देखो कैसे भाग रहा है खरगोश। अब आशा और विमला भी उस खरगोश के पीछे पीछे भागते गए, दौड़ते रहे, दौड़ते 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 खरगोश उनकी एक सहेली है सलमा, सलमा के घर के भीतर चला गया। अब दोनों चिल्ला रहे थे, सलमा सलमा। सलमा बाहर आई, क्या बात है आशा विमला,
तुम दोनों इतनी चिल्ला क्यों रही हो? आशा ने कहा, सलमा तेरे घर के भीतर? विमला ने कहा, चुप हो जा, मजाक करते हैं, सलमा के साथ मजाक करेंगी। सलमा, तेरे घर के भीतर एक चीज है जिसका नाम ख से शुरू है, तू जाकर लेकर आ। बताया नहीं? बताया कि तेरे घर के भीतर एक चीज है जिसका नाम ख से शुरू है? खरगोश। नहीं, बताया नहीं। अब क्या है? सलमा फिर अंदर गई, भीतर गई। फिर सलमा ने पूछा, वो किसका है? आशा ने कहा, वो मेरा है, मेरा है। विमला ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा है। आशा, झूठ मत बोल। अब फिर से शुरू हो गई लड़ाई, मेरा है। आशा कह रही कि नहीं, मेरा है। और विमला क्या कह रही है? मेरा है। आशा क्या कह रही है? मेरा है। दोनों कह रहे हैं मेरा है, चिल्ला रहे हैं। फिर और आसपास के जो पेड़ पौधे, फल फूल, सबको सुनाई दे रहा था, ये बच्चियां कैसे चिल्ला कर कह रही हैं कि मेरा है, मेरा है, कैसे लड़ रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा था। उसके बाद सलमा ने कहा, अच्छा लड़ो मत आशा, विमला लड़ाई बंद कर दो, मैं वो चीज़ काट रही हूँ, तुम दोनों को मिलेगा। अब आशा और विमला बिल्कुल चुप हो गए। आशा ने कहा, काटो मत, विमला को दे दो। विमला ने कहा, नहीं नहीं, आशा को दे दो, काटो मत। सलमा ने कहा, मैंने तो उसको वो जो चीज है मैंने काट भी लिया। क्या काटा था सलमा ने? काट सकती है सलमा? छोटी सी आप जैसी बच्ची खरगोश काट सकती है? खरगोश, ख से खरगोश, ख से तो और भी कितनी सारी चीजें होती है, सोचो जरा। कोई खीर, वेरी गुड, खरबूजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये खिलौना, शाबा। लेकिन नहीं, गाजर तो ग से है, नहीं, खरबूजा, खरबूजा आपने कहा ना, ये खरबूजा इसने काटा था, सलमा ने खरबूजा काटा था। ख से खरगोश हो सकता है, ख से खरबूजा भी तो होता है। हाँ, देखो सब मिलकर खरबूजा खा रहे हैं। अच्छा, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से और क्या क्या शब्द हो सकता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों अब बताओ तो जरा, खरगोश को किसके पास रहना चाहिए? सलमा के पास। फिर आशा और विमला कहेंगी, हमारे पास क्यों नहीं है? फिर तीनों के पास है। तीनों के पास, अरे वाह, बहुत अच्छा। कभी आशा के पास तो कभी विमला के पास तो कभी सलमा के पास। अच्छा, अगर खरगोश को पूछो कि वो कहाँ रहना चाहता है तो खरगोश क्या कहेगा? जंगल में। खरगोश को सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है रहना? जंगल में। खरगोश को हम लोग जंगल में रहने देते, खरगोश को जंगल में ही रहना चाहिए। जब उसको, जब खरगोश को लगा कि चलो हम जाकर जरा आशा, विमला और सलमा के साथ खेलते हैं, तो वो फिर खुद आ जाएगा, खेलेगा, ठीक रहेगा। किसी के पास खरगोश है? है, किसी के पास है? गांव में है? अच्छा, नानी के घर में? कितने सारे बच्चे? बहुत, दस बीस बच्चे। क्या रंग है खरगोश का? किसी के सफेद और सारे सफेद। अच्छा, सारे सफेद खरगोश है। जंगली खरगोश है। घर में है? घर में है। क्या रंग है? सफेद। कितने सारे हैं? दो है। क्या नाम है खरगोश का? आपने नाम रखा नहीं? अच्छा, और किसके घर में है? आपके घर में है? गांव में है? मामा जी के घर में है। ब्राउन खरगोश है। अच्छा, ब्राउन खरगोश, वाइट खरगोश, सफेद खरगोश। अच्छा, काला खरगोश है। कितने सारे रंग के खरगोश? नानी के घर में है। रंग क्या है? अब जब आप घर जाओगे तो आपको कितने सारी चीजें आपको दिखाई देगी जिसका नाम ख से शुरू होता है, तो कल जब आप आओगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अभी हमने देखा कि इस कहानी के साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी, इस बारे में बलजीत जी आप क्या कहती हैं? हमने देखा कि कहानी के साथ उन्होंने कई चित्र दिखाए, इससे कहानी का प्रभाव बढ़ जाता है
और दूसरी बात ये कि सभी बच्चे जिज्ञासु बने रहते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, चाहे वो कक्षा में चुप रहने वाला छात्र क्यों ना हो। और दूसरी बात जो हमने अनुभव की कि चित्रों से जो कहानी सुनाई जाती है उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। चित्र आप स्वयं बना सकते हैं या फिर बच्चों से बनवा सकते हैं, और अगर आपके पास चित्र उपलब्ध नहीं है तो आपके पास श्यामपट तो है, चौक उठाइए, चित्र बनाइए और कहानी सुनाइए। विषय कोई भी लिया जा सकता है। आप क्या कहते हैं सिद्दीकी जी? विषय कोई भी हो, बात चाहे पर्यावरण की हो या किसी अन्य विषय की, कहानी के माध्यम से हम विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे फलों के बारे में है, पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, यहाँ तक कि हम बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। यानी कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक और छात्र आपस में जुड़े। जैसे अगर आपने बात की कि पशु पक्षियों की, तो बच्चों से पूछा जा सकता है चिड़िया कैसे उड़ती है, बच्चे एकदम से आपको एक्ट करके दिखाएंगे। और बच्चों से आप बिल्ली के बारे में पूछिए कि बिल्ली कैसे बोलती है, तो आप देखेंगे कि कक्षा का कोई भी बच्चा चुप नहीं रहेगा, सभी एक साथ सामूहिक स्वर में आवाज निकालेंगे मियाऊ। यानी बच्चों की भागीदारी है। हम इसके साथ ही बच्चों को ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बता सकते हैं, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार है, आगरा का ताजमहल है या हैदराबाद का चार मीनार है। कब बनवाया, किसने बनवाया और क्यों बनवाया। यानी कहानी एक साथ कब, क्यों, कहां, कैसे, इन सब का उत्तर देती है। कहानी शिक्षण का एक सशक्त माध्यम है। अभी हमने और आपने देखा कि कहानी के द्वारा एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ कैसे जुड़ता है। आप भी अपनी कक्षा के बच्चों के साथ कहानी के द्वारा जुड़ सकते हैं। दौड़ते रहे, अब जब बहुत दौड़ते हैं और हंसते हैं तो थक जाते हैं ना, तो ये भी दोनों थक गए और थक कर वहाँ एक झाड़ी के पास बैठ गए दोनों, आशा और विमला। किसी के पास खरगोश है? है किसी के पास? है गांव में है? अच्छा, अगर खरगोश को पूछो कि वो कहाँ रहना चाहता है तो खरगोश क्या कहेगा? जंगल में। खरगोश को सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है रहना? जंगल में। क्या खिलाऊंगी? गाजर, हरी पत्तियां और घास। फिर आशा कहने लगी कि मैं इसे घर ले जाऊंगी, फिर ये सारी चीजें मैं खिलाऊंगी। खरगोश, ख से खरगोश, ख से तो और भी कितनी सारी चीजें होती है, सोचो जरा। कोई खीर, वेरी गुड, खरबूजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा खिलौना, शाबाश। लेकिन नहीं, गाजर तो घर से है। दोनों कह रहे हैं मेरा है, चिल्ला रहे हैं। फिर और आसपास के जो पेड़ पौधे, फल फूल, सबको सुनाई दे रहा था ये बच्चियां कैसे चिल्ला कर कह रही हैं कि मेरा है, मेरा है, कैसे लड़ रहे हैं। राज्यों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, जैसे उनकी